पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर पिंक सिटी प्रेस क्लब में हुई पत्रकारों की बैठक, कल होगा पत्रकारों का जमावड़ा। जयपुर की प्रमुख खबर। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर कल 21 मार्च को होने वाले पैदल मार्च को लेकर जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब के ऑफिस में IFWJ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर के मार्गदर्शन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान के लगभग सभी सक्रिय पत्रकार संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों, अन्य पदाधिकारियों तथा वरिष्ठ पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया था। मामला पत्रकार हितों का है, तो ऐसे में सभी पत्रकारों से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की गई है। पूरे राजस्थान से बड़ी तादाद में पत्रकार इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। कल प्रदेश की राजधानी में पत्रकारों का होगा जमावड़ा। VVN ब्यूरो रिपोर्ट। ये पत्रकार सुरक्षा कानून की जो मांग को लेकर के 21 मार्च को यहाँ से पैदल मार्च किया जाएगा, प्रेस क्लब से लेकर के और विधानसभा तक, और वहाँ मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। जैसे आप लोगों को सभी को विदित है कि पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग पिछले 7 साल से पत्रकारों के द्वारा उठाई जा रही है। राज्यों में, राज्य के जो जिले हैं जहाँ भी वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय, उन सभी को समय समय पर ज्ञापन देकर के इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया है। पिछले 7 साल के अगर आंकड़े उठा करके देखें तो पत्रकारों को कवरेज के दौरान, समाचार संकलन करने के दौरान और समाचार प्रकाशित होने के बाद में धमकियां मिलना, उनके साथ गाली गलौज होना, इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है। हम चाह रहे हैं कि सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को सदन में लाए और उस पर विचार करके इसको क्रियान्वित रूप दे। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके ऊपर इसको अमली जामा पहनाया है, और जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कल कि इसे लागू भी कर दिया गया है। पत्रकार सुरक्षा कानून का जो मसौदा था उसे पारित किया है। और पिछली बार जब अशोक गहलोत जी जब जोधपुर के अंदर थे तो वहाँ पर ये पत्रकार सुरक्षा कानून के मसौदे पर हमारी जो जोधपुर जिला इकाई है उसके साथ में बड़ी विस्तार से बात हुई थी। लेकिन बड़ा आश्चर्य का विषय है कि ये जो मांग है पत्रकारों की, ये अभी तक लंबित है। तो इसी मांग को लेकर के 21 तारीख को सुबह 10 बजे पिंक सिटी प्रेस क्लब से ये पैदल मार्च निकाला जाएगा। ठीक सर।